फ्रेंड्स नितिन धनकर गए मुंबई पुलिस के ग्राउंड में रेड पर, दो डिफेंडर है, मुंबई पुलिस को सुपर टैकल का चांस है, नितिन धनकर दोनों साइड खेलते हुए और एंकल होल्ड करने का ट्राई किया और नितिन धनकर ने एंकल छुड़ा लिया। बहुत ही बढ़िया रेडर है, बहुत ही जबरदस्त रेड मार रहे नितिन धनकर। नितिन धनकर रेड पर आए, देखते पूरे प्लेयर्स को देखते हुए कौन की किसकी पोजीशन कहां पर है, देखते क्या करते हैं। बहुत ही स्पीडी रेडर है नितिन धनकर और एक कॉर्नर पे खेलते हुए और जबरदस्त से कवर को टो टच कर लिया, बहुत ही बढ़िया, पता ही नहीं चला कवर को नितिन धनकर ने कब टो टच कर लिया और एक पॉइंट नितिन धनकर को। नितिन धनकर रेड पर पूरा 7 का कवर है मुंबई पुलिस का। नितिन धनकर बहुत ही बढ़िया खेल रहे, टैकल करने को चांस नहीं दे रहे मुंबई पुलिस को और देखते कॉर्नर पे, और कॉर्नर पे टच किया, पीछे से कवर है, कवर को भी लेके चले गए। 2 पॉइंट नितिन धनकर। नितिन धनकर रेड पर, मुंबई पुलिस के 4 ही प्लेयर बचे तो देखते नितिन धनकर क्या करते हैं। कॉर्नर पे खेल रहे हो, आगे आए कॉर्नर मारने का ट्राई कर रहे और बहुत ही स्पीड से आए और कॉर्नर के हाथ का प्लेयर नीचे बैठ गया था थाई होल्ड करने के लिए, नितिन धनकर बहुत ही शार्प पॉइंट लेके चले गए। नितिन धनकर रेड पर 3 की कवर है मुंबई पुलिस की, सुपर टैकल का चांस है, अगर नितिन धनकर को पकड़ते हैं तो 2 पॉइंट मिल जाएंगे उनको और ऑल आउट का खतरा भी, अगर नितिन धनकर बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में तो देखते कॉर्नर में मारने का ट्राई कर रहे, सामने वाले कॉर्नर को भी चांस नहीं दे रहे, आगे पीछे खेल रहे नितिन धनकर तो बहुत कंफ्यूज कर रहे डिफेंडर को और ये आगे आए किक मारने का ट्राई किया, सामने से साइड निकाला और जबरदस्त दूसरा प्लेयर भी प्लेयर पकड़ने गया, 2 पॉइंट्स। नितिन धनकर वापस रेड पर, 7 की कवर है मुंबई पुलिस की, देखते हैं पॉइंट लेके जाते हैं क्या नितिन धनकर, बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में ये पूरे टूर्नामेंट में और ये टो टच करने का ट्राई किया, देखते हैं क्या करते हैं। कॉर्नर पे खेल रहे और बाहर भी आ रहे और ये बढ़िया टो टच कवर को, जबरदस्त टो टच कर रहे और इतने स्पीड से कि पता ही नहीं चल रहा है कवर को, बहुत ही बढ़िया, ये सेकेंड टाइम टो टच किया नितिन धनकर ने कवर को, बहुत ही बढ़िया ये पॉइंट। नितिन धनकर रेड पर है बीपीसीएल के ग्राउंड में, देखते हैं नितिन धनकर बहुत ही अच्छे फॉर्म में और बीपीसीएल बहुत ही जबरदस्त टीम है और ये बढ़िया एकदम क्विक हैंड टच, आकाश को पता ही नहीं चला इतने स्पीड में है नितिन, बहुत ही बढ़िया, ये देखिए स्लो मोशन में बहुत ही बढ़िया। नितिन धनकर रेड पर है, 4 का डिफेंस है बीपीसीएल का, देखते क्या करते हैं। अरकम नीलेश शिंदे अंदर है, बहुत ही बढ़िया डिफेंस है और देखते क्या करते हैं। कॉर्नर में मारने का ट्राई करेंगे नितिन धनकर और दोनों कॉर्नर खेलने का ट्राई कर रहे और कॉर्नर पे मारेंगे शायद से, मुझे लगता है अरकम को पीछे ढकेल रहे और एक कॉर्नर मारने का ट्राई किया, अरकम गए लेकिन डैश को जंप करके जबरदस्त नीलेश शिंदे को टच कर लिया है, 2 पॉइंट लेके चले गए। जैसे अरकम आए वैसे बाहर निकले, देखिए कॉर्नर मारने का ट्राई किया अरकम है वैसे साइड निकल लिया और जंप करके नीलेश शिंदे को भी टच कर लिया है, 2 पॉइंट्स। नितिन रेड पर है, गिरीश एरनाक अंदर है, सामने अक्षय, गिरीश एरनाक अंदर है तो सुपर टैकल के चांसेस बढ़ेंगे, देखते क्या करते हैं। गिरीश एरनाक की साइड ज्यादा ट्राई करेंगे नितिन क्योंकि पता है अक्षय रेडर है तो देखते गिरीश एरनाक को टच करते हैं अक्षय को और भाग भाग क्या है, अक्षय ने एंगल होल्ड करने ट्राई किया, पीछे से गिरीश है लेकिन साइड निकल के चले गए, 2+2 टोटल 4 पॉइंट देखिए स्लो मोशन में। नितिन धनकर मुंबई पुलिस के ग्राउंड में, 5 का डिफेंस है, कवर पूरा पीछे होगा, देखते नितिन धनकर क्या करते हैं। कॉर्नर मारते हैं, सामने रनिंग हैंड टच करते, कॉर्नर का मारने का प्रयास कर रहे, फुल कॉर्नर जाके बाहर आ रहे, कॉर्नर में ट्राई किया, सामने से कवर आया और साइड निकाल ली, क्या बढ़िया पॉइंट, बहुत ही जबरदस्त, 2 पॉइंट लेके चले गए, बहुत ही बढ़िया ये रेड और 2 पॉइंट बहुत ही जबरदस्त।